हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों, एलजी एलजी सीरियल सीरियल का का टेक टेक एंड एंड मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में में आप आप लोग लोग का का स्वागत स्वागत है। है। आज आज हम हम लोग लोग वर्कशॉप वर्कशॉप से से वीवीआई वीवीआई क्वेश्चन क्वेश्चन को को आज आज हम हम लोग लोग देखेंगे, देखेंगे, जो जो एलजीसीजेई एलजीसीजेई डब्ल्यूएम एएमई एएमई में में पूछा पूछा जाता जाता है, है, उस उस क्वेश्चन क्वेश्चन के के बारे बारे में में आज आज हम हम लोग लोग देखेंगे। देखेंगे। आज आज का का वीडियो वीडियो जो जो है है बहुत बहुत ही ही रोमांच रोमांच होने होने वाला वाला है, है, क्योंकि क्योंकि सभी सभी वीवीआई वीवीआई क्वेश्चन क्वेश्चन को को इसमें इसमें संग्रहित संग्रहित किया किया गया गया है। है, ठीक ठीक है, है, इसलिए इसलिए वीडियो वीडियो को को अंत अंत तक तक देखें। देखें। ठीक ठीक है, है, देर देर ना ना करते करते हुए हुए हम हम क्वेश्चन क्वेश्चन पर पर चलते चलते हैं। हैं। अगर अगर मेरा मेरा वीडियो वीडियो आप आप लोग लोग को को अच्छा अच्छा लगे लगे तो तो लाइक, लाइक, शेयर शेयर और और सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। कीजिएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर एक एक में में क्या क्या बोल रहा बोल है रहा कि है कि सीएनसी सीएनसी मशीन मशीन में में तीन तीन गतिविधियां गतिविधियां एक एक दूसरे दूसरे के के लंबवत लंबवत डैश डैश अक्ष अक्ष कहलाती कहलाती है। है। कौन कौन सा सा अक्ष अक्ष कहलाती कहलाती है? है? तीन तीन गतिविधियां गतिविधियां ए ए जो जो है है एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड कहलाती कहलाती है, है, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड अक्ष अक्ष कहलाती कहलाती है। है। सेकेंड सेकेंड नंबर नंबर में में क्या क्या कह कह रहा रहा है है कि कि बॉयलर बॉयलर के के सेफ्टी सेफ्टी प्लग प्लग में में डैश डैश धातु धातु का का प्रयोग प्रयोग किया किया जाता जाता है? है? कौन कौन से से धातु धातु का का प्रयोग प्रयोग किया किया जाता जाता है? है? ऑप्शन ऑप्शन में में देख देख लीजिए लीजिए पीतल पीतल जस्ता जस्ता लेड लेड तथा तथा तांबा। तांबा। तो तो इसमें इसमें जो जो है है सेफ्टी सेफ्टी प्लग प्लग में में जो जो है है लेड लेड धातु धातु का का प्रयोग प्रयोग किया किया जाता जाता है, है, याद याद रखिएगा। रखिएगा। क्योंकि क्योंकि यहाँ यहाँ पर पर बहुत बहुत सारे सारे हमारे हमारे कर्मचारी कर्मचारी भाई भाई जो जो है है तांबा तांबा मार मार देते देते हैं। हैं, ठीक ठीक है है ना? ना? तांबा तांबा नहीं, नहीं, लेड लेड होता होता है। है। ठीक ठीक है, है, यहाँ यहाँ पर पर कंफ्यूजन कंफ्यूजन ज्यादा ज्यादा है है क्वेश्चन क्वेश्चन करता करता है। है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, बैगन बैगन में में सिंगल सिंगल पाइप पाइप डैश डैश का का प्रयोग प्रयोग किया किया था, था, मतलब मतलब कि कि सिंगल सिंगल पाइप पाइप जो जो है है किस किस बैगन बैगन में में प्रयोग प्रयोग किया किया जाता जाता है? है? क्वेश्चन क्वेश्चन कहने कहने का का मतलब मतलब इसका इसका यही यही है है कि कि बैगनों बैगनों में में मतलब मतलब सिंगल सिंगल पाइप पाइप किस किस बैगन बैगन में में प्रयोग प्रयोग किया किया जाता जाता है? है? सिंगल सिंगल पाइप पाइप जो जो है है वक्सेल वक्सेल में में जो जो है है प्रयोग प्रयोग किया किया जाता जाता है। है। ठीक ठीक है, है, वहीं वहीं अगर अगर वक्सेल वक्सेल एचएल एचएल रहता रहता तो तो उसमें उसमें सिंगल सिंगल पाइप पाइप ना ना होकर होकर के के ट्वीन ट्वीन पाइप पाइप हो हो जाता जाता है। है। ठीक ठीक है, है, सिंगल सिंगल पाइप पाइप ना ना होकर होकर के के ट्वीन ट्वीन पाइप पाइप हो हो जाता जाता है, है, याद याद रखिएगा। रखिएगा। लेकिन लेकिन केवल केवल वक्सेल वक्सेल जो जो है है उसमें उसमें जो जो है है सिंगल सिंगल पाइप पाइप का का प्रयोग प्रयोग किया किया जाता जाता है। है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, चार चार नंबर नंबर में में क्या क्या कह कह रहा रहा है? है? एक्सेल एक्सेल के के अंतः अंतः दोष दोष को को ज्ञात ज्ञात करने करने के के लिए लिए मतलब मतलब किस किस टेस्ट टेस्ट का का प्रयोग प्रयोग किया किया जाता जाता है? है? ठीक ठीक है, है, तो तो एक्सेल एक्सेल को को आंतरिक आंतरिक मतलब मतलब कि कि दरार दरार जो जो होता होता है, है, क्रेक क्रेक जो जो होता होता है, है, उसको उसको जांच जांच करने करने के के लिए लिए हम हम लोग लोग यूटीएस यूटीएस का का हम हम लोग लोग प्रयोग प्रयोग करते करते हैं, हैं, अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक टेस्ट। टेस्ट। यूटीएस यूटीएस टेस्ट टेस्ट का का हम हम लोग लोग प्रयोग प्रयोग करते करते हैं, हैं, अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक टेस्ट टेस्ट का का प्रयोग प्रयोग हम हम लोग लोग करते करते हैं हैं, जो जो आंतरिक आंतरिक दरार दरार को को पता पता करता करता है। है। ठीक ठीक है, है, वहीं वहीं अगर अगर सरफेस सरफेस का का अगर अगर चेक चेक करना करना रहता रहता सतह सतह का, का, तो तो यह यह गौ गौ नंबर नंबर में में जो जो दिया दिया हुआ हुआ है है डीपीटी डीपीटी का का हम हम लोग लोग प्रयोग प्रयोग करते करते हैं। हैं, लेकिन लेकिन आंतरिक आंतरिक दरार दरार जो जो होता होता है है एक्सल एक्सल का, का, उसको उसको यूटीएस यूटीएस के के माध्यम माध्यम से से हम हम लोग लोग जांच जांच करते करते हैं, हैं, अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक टेस्ट टेस्ट इसका इसका फुल फुल फॉर्म फॉर्म हो हो जाता जाता है। है। ठीक ठीक है, है, चलिए चलिए अब अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पर पर हम हम चलते चलते हैं। हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर पांच पांच में में क्या क्या कह कह रहा रहा है? है? देखिए देखिए कि कि बीटीपीएन बीटीपीएन बैगन बैगन की की आयु आयु जो जो है है कितना कितना होता होता है? है? बीटीपीएन बीटीपीएन बैगन बैगन का का आयु आयु जो जो है है 35 35 वर्ष वर्ष होता होता है। है। देखिए देखिए दोस्तों, दोस्तों, हम हम जो जो है है डायरेक्ट डायरेक्ट ऑप्शन ऑप्शन जो जो इसका इसका आंसर आंसर है है मैं मैं उसी उसी को को मैं मैं चिन्हित चिन्हित कर कर रहा रहा हूँ, हूँ, क्योंकि क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक ऑप्शन ऑप्शन को को अगर अगर मैं मैं पढ़ूँ पढ़ूँ तो तो वीडियो वीडियो जो जो है है लंबा लंबा हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक ठीक है, है, इसलिए इसलिए टू द टू द पॉइंट पॉइंट के के बारे बारे में में मैं मैं बता बता रहा रहा हूँ। हूँ। ठीक ठीक है, है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पर पर हम हम चलते चलते हैं हैं कि कि फ्यूल फ्यूल फिल्टर फिल्टर डैश डैश शेड्यूल शेड्यूल में में बदले बदले जाते जाते हैं। हैं। फ्यूल फ्यूल फिल्टर फिल्टर जो जो है है किस किस शेड्यूल शेड्यूल में में बदला बदला जाता जाता है? है? तो तो 6 6 नंबर नंबर का का देखिए, देखिए, यहाँ यहाँ पर पर दिया दिया प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन करेक्टिव, करेक्टिव इनमें इनमें से से कोई कोई नहीं नहीं थे। थे। ए ए जो जो हो हो जाएगा जाएगा प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव जो जो है है शेड्यूल शेड्यूल में में इसको इसको किया किया जाता जाता है। है। ठीक ठीक है, है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, 7 7 नंबर नंबर में में क्या क्या कह कह रहा रहा है? है? कारखाना कारखाना झांसी झांसी में में डैश डैश इंसेंटिव इंसेंटिव लागू लागू है। है। कारखाना कारखाना झांसी झांसी जो जो है है उसमें उसमें कौन कौन सा सा इंसेंटिव इंसेंटिव जो जो है है लागू लागू है? है? तो तो वहां वहां पर पर सीएलडब्ल्यू सीएलडब्ल्यू इंसेंटिव इंसेंटिव जो जो है है लागू लागू है। है। ठीक ठीक है, है, याद याद रखिएगा रखिएगा सीएलडब्ल्यू सीएलडब्ल्यू लागू लागू है है कारखाना कारखाना झांसी झांसी में। में। देखिए देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन, दो दो शिफ्ट शिफ्ट वर्किंग वर्किंग में में व्हील व्हील लेंथ लेंथ की की कोडा कोडा लाइफ लाइफ कितना कितना होता होता है? है? देखिए देखिए यहाँ यहाँ पर पर ध्यान ध्यान देने देने जो जो बात बात है है कि कि यहाँ यहाँ पर पर दो दो शिफ्ट शिफ्ट की की बात बात कर कर रहा रहा है। है किसी 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 क्वेश्चन क्वेश्चन में में तीन तीन शिफ्ट, शिफ्ट, देखिए
ठीक है। तो दो मान लेते हैं कोई भी मशीन अगर कम चलेगा तो उसका लाइफ बढ़ जाएगा, ज्यादा चलेगा तो लाइफ इसकी कम हो जाएगा। तो 15 और 9 होता है, तो अगर दो शिफ्ट अगर चलता है तो याद रखिएगा दो शिफ्ट चल रहा है तो कम ही मतलब कि चल रहा है, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है 15 हो जाएगा। और जब तीन शिफ्ट चलेगा वर्किंग मतलब कि तीन शिफ्ट जब काम होगा तो उसका कोडल लाइफ जो है घट जाएगा, ठीक है तब उस वक्त हो जाएगा 9, ठीक है याद रखिएगा। जब दो शिफ्ट चलेगा तो 15, तीन शिफ्ट चलेगा तो 9, ठीक है। तीन शिफ्ट चलेगा तो मशीन ज्यादा चला तो उसका कोडल लाइफ जो है निश्चित है कि घटेगा, और दो शिफ्ट चलेगा मतलब कि तीन से दो कम ही ना हुआ भाई, तो वहां पर जो है 15 वर्ष चलेगा दो शिफ्ट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम बॉयलर का सेफ्टी वाल्व डैश द्वारा सील किया जाता है। देखिए स्टीम का बॉयलर सेफ्टी जो है किसके द्वारा जो है सील किया जाता है, ठीक है। तो SSE बॉयलर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर बॉयलर ऑपरेटर, WM प्लांट, ठीक है। तो बॉयलर जो है इंस्पेक्टर जो है इसके द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं बॉयलर सेफ्टी वाल्व को सील हम लोग करते हैं, ठीक है। उनके द्वारा होता है, किसके द्वारा बॉयलर इंस्पेक्टर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है कि M&P प्रोग्राम के लिए कारखाने में नोडल ऑफिसर डैश होता है, कौन सा होता है नोडल ऑफिसर M&P प्रोग्राम में, तो ये जो होता है क्या है WM प्लांट, WM प्लांट यानी कौन नंबर में जो दिया हुआ है WM प्लांट जो है M&P प्रोग्राम के लिए कारखाने में नोडल ऑफिसर होते हैं, ठीक है अब समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि MIG बिल्डिंग में डैश गैस का प्रयोग किया जाता है, MIG बिल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो MIG का फुल फॉर्म हो जाता है मेटल इनर्ट गैस बिल्डिंग, MIG
जी यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो इसमें इनर्ट गैस का प्रयोग किया जाता है अर्थात आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन में जो है दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, डीए, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है जो कि इसमें इनर्ट गैस आर्गन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इनमें से कोई नहीं अगर मारते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है आर्गन गैस के बदले CO2 का प्रयोग किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। अब MIG वेल्डिंग का CO2 वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसलिए MIG वेल्डिंग को कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके हम लोग वेल्डिंग करते हैं, क्यों करते हैं, इसलिए कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग जो आर्गन गैस जो है वो जो है महंगा है, उसमें खर्च ज्यादा होते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का आजकल प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सस्ता पड़ता है, इसलिए अब MIG वेल्डिंग को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वेल्डिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, इसको नहीं मारिएगा, गलत हो जाएगा, आप लोग CO2 ही मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RSP स्वीकृत करने के लिए डैश अधिकृत है, RSP स्वीकृत करने के लिए कौन सा मतलब कि अधिकृत है, तो ये है रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड जो है RSP को स्वीकृत करता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में क्या कह रहा है कि भारतीय रेल यांत्रिक विभाग का उच्चतम पद कौन है। देखिए ध्यान देने जो बात यह है कि इसमें कह रहा है भारतीय रेल, भारतीय रेल के मतलब ये हो गया कि इंडिया लेवल पर बात कर रहा है, पूरे इंडिया लेवल पर यांत्रिक विभाग का यानी रेलवे बोर्ड के मतलब स्तर पर यांत्रिक विभाग का उच्चतम पद कौन हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है MM, कौन हो जाता है MM, ठीक है। और वहीं अगर जोनल मतलब कि पूछता जोनल लेवल पर तो CME हो जाता, ठीक है, चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, चीफ मैकेनिकल इंजीनियर CME, लेकिन यहाँ पर भारतीय रेल मतलब कि पूरे इंडिया लेवल पर पूछ रहा है तो यहाँ पर MM हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि नए बक्शन चक्के का अधिकतम व्यास कितना होता है, ठीक है। तो नए बक्शन चक्के का व्यास जो है 1000 mm होता है, याद रखिएगा कितना होता है 1000 mm होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि TQM का अर्थ क्या होता है, तो TQM का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कहाँ दिया हुआ है कौन नंबर में, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है TQM का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। TQM देखिए ये सब अधिकांश तो क्वेश्चन जो है ये सब वर्कशॉप में पूछा जाता है, वर्कशॉप का यह क्वेश्चन है, इसलिए जो भाई वर्कशॉप में होंगे उनके लिए बहुत ही भी और इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, ठीक है ना। CLW में भी पूछा जाता है, CNW में भी, इसलिए ज्यादा करके वर्कशॉप के लिए। और यह इस वीडियो का PDF आपको कैसे मिलेगा मैं इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, ठीक है। या ICAP LHB डेमो मेमू जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चाहे CNW हो या वर्कशॉप कहीं भी हो या लोको पायलट LI के लिए, उस सभी के लिए कैसे आपको PDF मिलेगा मैं वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, कह रहा है कि EOT क्रेन में डैश गतिविधियां होती है, ठीक है। EOT क्रेन में कितनी गतिविधियां होती है, देखिए ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला यह क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन है कंफ्यूजन करने वाला, क्योंकि आप कहिएगा कि EOT क्रेन जो हमारे EOT क्रेन का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक ओवर ट्रेवलिंग क्रेन, मतलब कि EOT का मतलब होता है इलेक्ट्रिक ओवर ट्रेवलिंग क्रेन, बाकी ओवर हेड क्रेन मतलब कि हमारे सिर के ऊपर जो क्रेन चलता है, इलेक्ट्रिक ओवर हेड क्रेन जो है जो चलता है उसी को हम लोग EOT क्रेन कहते हैं, ठीक है। तो उसकी कितनी गतिविधियां होती है, मतलब कि वो कितने दिशा में चलते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि दाएं और बाएं 2 हो गया, ऊपर और नीचे 2 मिलाकर 4 हो गया, और आगे और पीछे मिलाकर 2 2 4 2 6 हो गया, ठीक है। लेकिन नहीं, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। उसका जो है गतिविधि जो है 3 ही होता है, दाएं बाएं जो चलता है उसको 1 हो गया, उसको हम लोग 1 गिनेंगे, और ऊपर नीचा जो चैन जो ऊपर नीचा होता है वो 1 हो गया, और आगे पीछे जो स्लाइडिंग करता है वो 1 हो गया, मतलब कि टोटल 3 गतिविधि होता है, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। EOT क्रेन का गतिविधि 3 हो जाएगा। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन में यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 6 मार देते हैं, क्योंकि दाएं और बाएं 2 जोड़ लेता है, आगे पीछे 2 4 हो गया, ऊपर नीचे 2 6 हो गया, लेकिन वो गलत हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 3 होगा, क्योंकि दाएं बाएं को 1 ही गिना जाता है, आगे पीछे को 1 और ऊपर नीचे को 1, टोटल 3 गतिविधियां मतलब की 3 दिशा में वो चलता है, ठीक है। आप कन्फर्म हो गए होइएगा, इसलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें और कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखे कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 शिफ्ट में वर्किंग व्हील लेथ की कोडल लाइफ कितना वर्ष होता है। आपको मैंने बताया था ऊपर भी कि अगर 2 शिफ्ट होगा
दो शिफ्ट होगा तो 9 हो जाएगा, नहीं, दो शिफ्ट होगा तब तो काम कम हो गया तो उसका लाइफ बढ़ जाएगा, मतलब कि 15 होगा। देखिए यहाँ पर दो शिफ्ट दिया है तो दो शिफ्ट में बढ़ जाएगा, और तीन शिफ्ट हो गया तो मतलब वर्किंग ज्यादा हो रहा है उसकी, इसलिए उसका लाइफ घट जाएगा, मतलब कि 9 हो जाएगा। दो रहेगा तो 15, तीन रहेगा तो 9, याद रखिएगा, ठीक है। वर्ष इसका टोटल लाइफ हो जाएगा, दो रहेगा तो 15, तीन रहेगा तो 9 वर्ष होगा, ठीक है। वर्किंग व्हील लेथ का कोडल लाइफ, जिस पर व्हील का मतलब कि लेथिंग जो होता है उसको, जो मतलब कि छिलाई जो होता है आप देखे होइएगा, उस पर बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाना में पीसीओ का अर्थ क्या होता है। देखिए ये कितना रोमांचक, पीसीओ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंडीशन लगा दिया कारखाना में। ये नहीं समझिएगा कि शहर टाउन या गाँव में, वहां पर गाँव में जो पीसीओ का अर्थ है पब्लिक कॉल ऑफिस, ठीक है, ये पब्लिक कॉल ऑफिस पीसीओ का अर्थ हो जाता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कारखाना में, कारखाना में पीसीओ का अर्थ क्या होता है, तो होता है प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पीसीओ का अर्थ हो जाता है। और पब्लिक कॉल ऑफिस जो है धोखा में जो है हमारे कर्मचारी भाई मार देते हैं कभी कभी, इसलिए ऐसा नहीं कीजिएगा। कारखाना की बात कर रहा है, कारखाना में पीसीओ का अर्थ होता है प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोनल रेलवे में यांत्रिक विभाग का मुखिया कौन होता है। देखिए आ गया क्वेश्चन, जोनल रेलवे कर रहा है, जोनल लेवल पर अगर पूछता है तो सीएमई हो जाएगा, CME मतलब कि चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। लेकिन अगर भारतीय रेल में अगर पूछे, रेलवे बोर्ड के स्तर पर अगर पूछता है तो MM हो जाएगा, ठीक है, और जोनल लेवल पर CME हो जाएगा, चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि MNP प्रोग्राम के प्रोग्राम प्रत्येक वर्ष डैश माह में होता है। MNP जो है मशीनरी एंड प्लांट, इसका फुल फॉर्म होता है MNP का मशीनरी एंड प्लांट, प्लांट जो होता है प्रोग्राम प्रत्येक वर्ष डैश माह में तैयार होता है। कौन से माह में तैयार होता है, तो ये जो होता है अप्रैल माह में तैयार होता है, याद रखिएगा अप्रैल माह में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। BA मैं लिख देता हूँ, बोर्ड मॉडल या क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केस हार्डनिंग में हार्डनेस डैश पर बढ़ाई जाती है, नाम ही है इसका केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग का मतलब हो गया कि ऊपरी सतह, ठीक है ना। तो हम लोग जो है केस हार्डनिंग में ऊपरी सतह को हार्ड करते हैं, ठीक है, आंतरिक हार्ड हार्ड उसमें नहीं होता है, केस हार्डनिंग में ऊपरी सतह को हम लोग हार्ड करते हैं, ठीक है। जैसे रेलवे लाइन जो है ऊपरी सतह जो है उसका केस हार्ड नहीं किया जाता है, अंदर का हार्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर रेल ऊपर से गुजर रही है ट्रेन, अगर पूरे हम हार्ड कर देंगे तो प्रांड टूट जाएगा, इसलिए उसके ऊपरी सतह को ही हार्ड करते हैं, ताकि चक्के का जो भी ऊपर घर्षण होगा तो ऊपर का सतह नहीं घिसेगा। कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है या कि रेलवे लाइन जो है उसका कितना पार्ट जो है हार्ड किया हुआ रहता है, तो ऊपर का ही केवल हार्ड किया रहता है, केस हार्डनिंग उसका किया हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि DB के ओवरहॉलिंग डैश की जाते हैं, DB के जो है डिस्ट्रीब्यूटर वाल, DB का फुल फॉर्म हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर वाल, DB का मतलब कि कब हम लोग उसका क्या बोलता है ओवरहॉलिंग करते हैं, कब करते हैं उसका, ऑप्शन में देख लीजिए POH, ROH, NPOH में से कोई नहीं, तो ये जो है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, यानी मतलब कि POH के समय हम लोग उसका ओवरहॉलिंग करते हैं, ठीक है, यानी DB का डिस्ट्रीब्यूटर वाल का ओवरहॉलिंग हम लोग POH के समय करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये भी बता दूं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कारखाने के लिए मतलब कि वर्कशॉप के लिए बहुत ही सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे वीडियो को रोक रोक करके आप लोग नोट कर ले तो बहुत ही बेटर होगा, ठीक है। और इस वीडियो का अगर PDF लेना चाहते हैं तो मैं अंत में बताऊंगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा कि लिमिट स्विच का कार्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट स्विच का कार्य क्या है, तो लिमिट स्विच का कार्य है क्रेन को रोकना। देखिए ऑप्शन में कहां दिया हुआ है, गांव में, लिमिट स्विच का कार्य है क्रेन को रोकना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्रेन से यह क्वेश्चन है, क्रेन को रोकना, लिमिट स्विच ड्राइवर के हाथ में रहता है, अचानक अगर कोई मतलब कि देखता है कि घटना घटने वाली है, या कोई चैन टूट गया, फिसल गया, या कोई आदमी सामने आ गया, तो उस समय लिमिट स्विच का काम करता है, यानी क्रेन को उस वक्त रोकता है, क्रेन को रोकना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AAC डैश आइटम होता है, AAC जो है आपको स्टॉक आइटम का यह होता है, स्टॉक आइटम जो है AAC क्या है, तो यह एक स्टॉक आइटम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPT टेस्ट डैश डिफेक्ट देखे जाते हैं। देखिए मैंने ऊपर भी बताया था, जहां पर UTS का मैंने क्वेश्चन बता रहा था कि UTS जो है अल्ट्रासोनिक टेस्ट आंतरिक दरार चेक करने के लिए किया जाता है, लेकिन DPT टेस्ट जो है आपको सरफेस का क्रेक जांचने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, सरफेस का क्रेक जांचने के लिए DPT का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्सेल में डैश बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए बॉक्सेल में किस बियरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं, कल भी एक लड़का मुझसे जो PDF लिया था या क्वेश्चन हमसे किया था कि बॉक्सेल में जो है कौन सा बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है,
तो देखिए एएलएचबी क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं सभी के सभी कि देखो आईसीएफ में जो होता है, आईसीएफ में यहाँ पर डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वहीं अगर एएलएचबी है, एएलएचबी, तो इसमें हम लोग सीपीआरबी यानी कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। और हम लोग कौन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 29 नंबर, ठीक है। तो 29 नंबर में जो है, यहाँ भी जो है बॉक्सेल में भी सीटीआरबी का प्रयोग हम लोग करते हैं, कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, अर्थात एएलएचबी में भी और बॉक्सेल में भी हम लोग सीटीआरबी का प्रयोग करते हैं, और आईसीएफ में डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। लड़का जो है, जो पीडीएफ लिया था, इस क्वेश्चन को किया था, अगर वीडियो को देखे तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में क्या कह रहा है कि रेल क्रेन डैश पर कार्य करता है। रेल का जो क्रेन है कहाँ कार्य करता है, केवल ट्रैक पर, रोड पर, दोनों पर, माने ट्रैक पर कार्य करेगा कि रोड पर, कि दोनों पर करेगा, नहीं, यह तो नामे है रेल क्रेन। तो रेल क्रेन जहां भी काम करेगा, रेल ट्रैक पर ही काम करेगा। जहां भी रेल, अगर ट्रैक पर जो है ट्रेन जो है अगर फंस गया है, उलट गया है, जो भी कोई घटना घट गया है, तो वहां ट्रैक के माध्यम से ही जाएगा और वहां के जो भी समस्या का वो समाधान करेगा। इसलिए रेल क्रेन जो है केवल ट्रैक पर ही चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का डैश का काम है। स्पार्क प्लग का पेट्रोल इंजन में क्या काम है, आप जानते हैं कि वो स्पार्किंग करता है, यानी वहां पर आग पैदा करता है, अर्थात दहन का कार्य करता है। क्या चीज करता है, दहन का कार्य करता है। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग जो है दहन का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर की दांते डैश मशीन पर बनाए जाते हैं। गियर की दांते किस मशीन पर बनाए जाते हैं, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, स्लॉटिंग मशीन, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे कर्मचारी भाई लेथ मशीन, मिलिंग मशीन और स्लॉटिंग मशीन, ये तीनों में कंफ्यूजन कर जाते हैं, और उसमें कोई कहता है लेथ मशीन तो कोई कहता है स्लॉटिंग मशीन, स्लॉट काट करके उसको हम गियर बनाएंगे, लेकिन नहीं, यह गलत हो जाएगा। यह जो है आपको मिलिंग मशीन पर जो है गियर की दांते जो है बनाया जाता है, ठीक है। मैं मिलिंग मशीन पर भी एक वीडियो में जब बनाऊंगा, मिलिंग मशीन, सेफर मशीन, स्लोटर मशीन, प्लेनर मशीन, ये तीनों पर मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मिलिंग मशीन पर जो है कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, ठीक है। जो भाई अगर पीडीएफ लेते हैं तो उनको सारे के सारे पीडीएफ जो मशीन का जो है चला जाता जाएगा और वो आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है, और उनकी टेस्ट भी लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल की हार्डनेस डैश मशीन पर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। मटेरियल का हार्डनेस जो है किस मशीन पर चेक किया जाता है, तो ये जो है ब्रिनेल मशीन पर चेक किया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि मैं जहां जहां एग्जाम होता है वहां से मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, मैं उसी क्वेश्चन का मैं टेस्ट लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यह क्वेश्चन जो है बार बार उसमें पूछा जाता है कि मटेरियल की हार्डनेस जो है डैश मशीन पर टेस्ट की जाती है, तो ब्रिनेल उसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगन का फाइनल फिट देने का कार्य डैश करता है, ठीक है। बैगन का फाइनल फिट, जब बैगन बन करके तैयार हो जाता है उसका फाइनल फिट कौन देता है, तो देखिए ऑप्शन में दिया है SSE, SIO, SENC, WMR, ठीक है। तो SSE देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर धोखा में, देखिए SSE यहाँ भी दिया है, SSE यहाँ भी दिया, लेकिन NC यहाँ पर दे दिया है, ठीक है ना। तो SSE करते हैं, तो कारखाना के जो SSE हैं वो नहीं करते हैं, यहाँ जो है जो इंपेक्शन का जो SSE होते हैं वो फाइनल जो है फिट जो है उसको करते हैं। फाइनल का मतलब कि इंपेक्शन का जो SSE होगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, वही जो बैगन का फाइनल फिट देने का कार्य करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन हो गया, यह क्वेश्चन हर जगह आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इंजन में इग्निशन डैश के द्वारा होता है। डीजल इंजन में इग्निशन जो है किसके द्वारा होता है, तो ये जो है इंजेक्टर के द्वारा होता है, याद रखिएगा, इंजेक्टर के द्वारा डीजल इंजन में इग्निशन होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए 36 में क्या कह रहा है कि आरसीएफ डैश में स्थित है। आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो ये तो कोई अनजान चीज नहीं है, ये सभी लोग जान रहे हैं कि आरसीएफ कहाँ है, तो आरसीएफ जो है कपूरथला में है, ठीक है, आईसीएफ चेन्नई में है। यहाँ आईसीएफ और आरसीएफ जो है जल्दीबाजी में पढ़ करके और गलत मार दिया जाता है, ठीक है। तो आईसीएफ और आरसीएफ जो है, तो यहाँ पर आरसीएफ का क्वेश्चन है, आरसीएफ जो है कपूरथला में स्थित है, वहीं आईसीएफ अगर आता तो चेन्नई हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल स्प्रिंग बनाने का कारखाना जो है कहाँ स्थित है। रेल स्प्रिंग बनाने का कारखाना जो है सिंथौली में है, ठीक है। रेल
रेल स्प्रिंग जो बनता है उसके बनाने का कारखाना जो है सिंथौली में है। अब सिंथौली भाई पड़ता कहाँ है, तो सिंथौली जो है एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मध्य प्रदेश के किस जिला में पड़ता है, तो ग्वालियर में पड़ता है, कहीं कहीं ग्वालियर भी ऑप्शन में दे देता है। और ग्वालियर के कौन से जगह पर पड़ता है, तो यह जो है सिंथौली में पड़ता है, यानी स्टेट जो है एमपी जिला ग्वालियर स्थान का नाम है सिंथौली। मैं तीनों यहाँ पर इसलिए मैंने बता दिया कि कभी एमपी भी ऑप्शन में लिख देता है, कभी ग्वालियर भी लिख देता है, कभी सिंथौली भी लिख देता है, ठीक है। इसलिए तीनों को आप लोग सिंथौली को लिख करके कोस्ट में जो है आप लोग मध्य प्रदेश और ग्वालियर आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं जो है आप लोग को मध्य प्रदेश और कहीं ग्वालियर भी ऑप्शन में दे देता है, ठीक है। लेकिन कोई भी देगा तो तीनों में से एक ही देगा, ये ना कि तीनों दे देगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मैंने क्वेश्चन में देखा है जिसका मैं टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। तो सिंथौली में मध्य प्रदेश ग्वालियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएलडब्ल्यू पैटर्न में जेई को सेक्शन का 10% लाभांश मिलता है। सीएलडब्ल्यू प्रोत्साहन योजना में के अंतर्गत जेई को कितना मिलता है, तो जेई को 80% जो है लाभांश मिलता है। कितना मिलता है, 80% मिलता है, ठीक है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मैं देखता हूं कि अनुमत समय बराबर समान समय गुणे डैश मापन रहे, ठीक है। यहाँ डैश में क्या भराएगा, अनुमत समय वाला समान समय गुणे क्या चीज से गुना किया जाएगा, तो 1.65 से गुना इसको किया जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को रोक रोक करके लिख लें तो अच्छा रहेगा, पीडीएफ ले तो कोई बातें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क स्टडी के आविष्कारक। देखिए ये भी देखिए, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन वहां पूछा था, ये क्वेश्चन वहां पूछा था, ताकि हमको लग रहा है कि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि वर्क स्टडी के आविष्कारक कौन थे, तो एफ डब्ल्यू टेलर जी थे इनके आविष्कारक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है वीवीआई क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68% विश्वास स्तर पर त्रुटि की संभावना कितना होती है, 68% विश्वास स्तर पर त्रुटि की संभावना। जब यहाँ पर 68 दे दिया है तो आप जानते हैं कि 100 जो है, 100 का मतलब 100 होता है, 100 का मतलब नहीं, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, ठीक है ना, 100% प्रतिशत, तो 100 का मतलब प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो आप जो है 100 में से जब 68 घटाइएगा तो आपको 32 आएगा ना। जब 68% आपको विश्वास है तो त्रुटि कितना हो रहा है, 100 में से 68 घटाइएगा तो 32% इसका त्रुटि की संभावना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, 42 में क्या कह रहा है कि यदि किसी अनुभाग में 120 मशीन है, उसमें से 20 मशीन बंद है, तो अनुभाग की दक्षता कितनी होगी, ठीक है। जब 120 मशीन है और 20 मशीन अगर बंद है, खराब है, तो उसका दक्षता मतलब क्षमता कितना हो जाएगा, ठीक है, 42 नंबर में। तो इसको क्या कीजिएगा, इसको प्रतिशत में बदल दीजिए, 20 मशीन बंद है, 120 में 20 मशीन बंद हो जा रहा है, तो कितना मशीन बच गया भाई, 100 बच गया, ठीक है ना। 120 में से अगर हम 20 घटा देंगे तो 100 ना बचेगा, तो प्रतिशत में जब इसको अथी होगा तो 100 या बटा कुल मशीन 120 गुना 100, ठीक है, तो क्या होगा, इसको जो है 1 0 से 1 0 काट लीजिए, ठीक है, और भी इसको काट सकते हैं, आपको 6 2 12 50 2 100, अब फिर इसको काट लीजिए 3 2 6 25 2 50, ये कितना हो गया, यानी 250/3, तो 8 3 24, एमएस एक गया तो 3 3 9, यानी 3 3, ठीक है, यानी 83.33 जो है इसका आंसर आएगा। कहाँ दिया हुआ है, गांव में दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से है प्रतिशत इसका आप निकाल लीजिए, जो मैंने यहाँ पर निकाल कर आप लोग को दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर्मचारी को कितना परसेंट लाभांश मिलता है। देखिए प्रत्यक्ष यहाँ पर डायरेक्ट कर्मचारी की बात कर रहा है कि प्रत्यक्ष कर्मचारी को कितना मिलेगा, जो प्रत्यक्ष रूप से जो काम करते हैं वो जो है 100% उसको जो है लाभांश जो है इंसेंटिव उसको मिलेगा। जो इनडायरेक्ट में काम करते हैं, जैसे आपको क्रेन चालक जैसे हो गए, मिल राइट के जैसे कि वो लोग सहायक कर्मचारी हैं, जो डायरेक्ट काम कर रहे हैं उन लोग को सहायक रूप में वो लोग कार्य करते हैं, इसलिए उन लोगों को 80% हो जाएगा, ठीक है। जो डायरेक्ट रूप से काम करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं डायरेक्ट, उनको 100% लाभांश मिलता है इंसेंटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% का मतलब हुआ कि जितना सरकार देने का अलाउ किया है उसका 100%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन भत्ता 10% की दर से दे है। देखिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मापन भत्ता 5% की दर से दे है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रमिक द्वारा 1 घंटे में किए गए कार्य को डैश कहते हैं। मान लेते हैं कि एक आदमी को 1 घंटा में कितना काम कर रहा है कोई मानव, तो क्या हो जाएगा, वो एक मानव घंटा हो जाएगा, कि इस मानव का 1 घंटे में कार्य करने की क्षमता हुआ हो जाएगा कि यह इतना कार्य कर रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा एक मानव घंटा, एक श्रमिक द्वारा 1 घंटे में किए गए कार्य को 1 मानव घंटा कहते हैं,
ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीए में अर्थात बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मशीन द्वारा एक घंटे में किए गए कार्य को क्या कहेंगे, तो उसको एक मशीनी घंटा कहेंगे, उसको भी एक मशीनी घंटा कहेंगे। ठीक है, एक मशीन एक घंटा में जितना कार्य कर रहा है वह उसका मशीन का वह क्षमता हो गया, उसकी दक्षता हो गया, तो उसको हम एक मशीनी घंटा कहेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भाई हमारे वर्कशॉप में काम करते हैं उनके लिए, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन को जो है आप लोग लिख ले तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है कि यदि कार्य करने के लिए व्यर्थ समय 2% या उससे अधिक या 5% से कम हो तो सुपरवाइजर को लाभांश 10% की कटौती होगी। आप लोग देखे होइएगा कि आप लोग काम करते हैं, हमारे टेक्नीशियन भाई जितने भी हैं वर्कशॉप या ओपन लाइन कहीं भी अगर काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जो है जो भी आपका इंचार्ज जो है जेई जो है वो आपके ऊपर एकदम चढ़े रहते हैं, ये करो वो करो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ठीक है, क्यों? उसी का यह क्वेश्चन है कि यदि कार्य के लिए व्यर्थ समय 2% से कम, 2% से अधिक 5% से कम हो तो सुपरवाइजर के लाभांश से कितना कटौती होगा। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर अगर काम में हानि हो रहा है परसेंटेज के माध्यम से, तो उसके लाभांश में जो भी आपका सुपरवाइजर है JSSC उनका लाभांश जो है कटौती होता है, इसलिए आपके पीठ पर वो चढ़े रहते हैं कि ये काम करो वो काम करो, ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ, ठीक है ये काम कर लो, ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक काम कराते हैं ताकि उनके लाभांश से कोई कटौती न किया जाए, उनको जो है उस सेक्शन में या उस जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उनका अच्छा से अच्छा इमेज बन सके और उनका कोई भी लाभांश में कटौती नहीं हो, इसीलिए वो काम पर एकदम चढ़े हुए रहते हैं। चलिए क्वेश्चन पर हम चलते हैं। कह रहा है कि यदि कार्य के लिए व्यर्थ समय 2% या उससे अधिक 5% से कम हो तो सुपरवाइजर के मतलब लाभांश से कितना कटौती होगा, तो वो हो जाएगा आपको 10%। कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा, ठीक है। और आगे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा कि अगर 5% से अधिक और 10% से कम हो तो उनके मतलब कि लाभांश से मतलब कितना कटौती होगा, तो उसका 15% होगा। आगे क्वेश्चन मिलेगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आगे अगर क्वेश्चन नहीं मिलता तो मैं यही डिटेल बता देता, लेकिन आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको मैं डिटेल बताऊंगा, ठीक है। 10% भी है और उसके बाद 20% हो जाता है, उसके बाद उनको लाभांश नहीं मिलता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी इतना ही जानिए कि यदि कार्य पर व्यर्थ समय 2% से अधिक और 5% से अगर कम हो जा रहा है तो सुपरवाइजर के लाभांश से जो है 10% की कटौती हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में क्या कह रहा है कि 90% विश्वास अथवा त्रुटि की संभावना कितनी होगी। देखिए यहाँ पर जब 90% दे दिया है, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो 90 में घटा लीजिए 100 में से, तो भी है 10% उसकी त्रुटि की संभावना होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि यदि किसी अनुभाग में 200 मशीन है और उसमें से 40 मशीन बंद है खराब है तो अनुभाग की दक्षता कितनी होगी, ठीक है। यानी 40 मशीन अगर बंद है, 200 मशीन अगर वहां पर टोटल मशीन है उसमें 40 मशीन बंद है, तो इसकी दक्षता क्षमता जो है कितना होगा, तो इसको प्रतिशत निकाल लीजिए, 200 में से 40 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा ना, 160 में भागा 200 गुना 100, ठीक है, यानी घटाने पर जितना आएगा, जितना मशीन चल रहा है 160 मशीन चल रहा है, कुल मशीनों की संख्या आपको 200 हो जाएगा और गुणे 100 कर दीजिए, 20 से 20 काट दीजिए और इसको काट दीजिए 8 × 16, यानी 80% जो है उसकी दक्षता हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 80% उसकी दक्षता हो जाएगी, ठीक है। यह 50 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मैं 50 क्वेश्चन का ही मैं वीडियो बनाता हूँ, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है उस तरह, इसलिए मैं अपने वीडियो को यहीं रोकूंगा। और आप लोगों से मैंने कहा था कि इस वीडियो का PDF या LDC JEE WME जितने भी लोग हैं या ड्राइवर जो LI जो बनते हैं उन लोग के लिए CNW से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उन लोग के लिए सभी प्रकार के PDF आप लोगों को कैसे मिलेगा उसके बारे में मैं बता दूं कि मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को वह PDF आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ऊपर मैसेज करके आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप नंबर को सेव करें और उसमें जो फोटो लगा है उस फोटो को पहले ध्यान से पढ़ें और उसके बाद मैसेज करें, ठीक है। उस फोटो को समझें क्या क्या लिखा है, कैसे मिलेगा और क्या क्या PDF आपको मिलेगा, फिर उसके बाद आप लोग को मतलब कि मैसेज करना है, उसके बाद मैसेज कीजिए, ठीक है। इस तरह मैसेज करके परेशान आप लोग नहीं कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है आप लोग को व्हाट्सएप नंबर लिखने वाला हूँ 9893574426, इस पर जो है आप लोग मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। कृपया करके आप लोग फोन न करें, मैसेज करें और PDF प्राप्त करें, ठीक है। और PDF पर लगे फोटो को आप लोग ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही PDF मतलब कि कोई मैसेज करें, ठीक है। और आप लोग को PDF क्या क्या है उसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे मैं बता दूं कि आप लोग को ICF LHB डेमो मेमो बैगन, ठीक है, CLW से जितने भी क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल में भी आ जाता है, पास PTO लीव इंसेंटिव कंप्यूटर
जितने भी है D&AR रूल 1967 1966 आचरण नियम जितने भी है सभी के सभी आप लोग यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। और जो आदमी PDF लेगा उसी का फ्री में टेस्ट लिया जाएगा, जो आदमी PDF नहीं लेगा उसका PDF उसका फ्री में टेस्ट नहीं होगा। ये बात ध्यान से सुन लें। डायरेक्ट आप लोग मैसेज कर देते हैं कि PDF सर भेजिए, लेकिन पहले व्हाट्सएप पर जब मैसेज किए हैं तो उस वक्त आप लोग पहले व्हाट्सएप पर लगे फोटो को ध्यान से पढ़ लें तो मैसेज करें। ठीक है, मैं ज्यादा ही कुछ बोल दिया, ठीक है, चालाक आदमी को इशारा काफी होता है, इसलिए हम यही कहेंगे कि आप लोग जो है जैसे भी हो, वीडियो से हो, PDF से हो, जहां कहीं से भी हो, आप लोग उसको नोट्स बनाएं और अच्छा से अच्छे तैयारी करें, अपने में जुनून अति करें, मतलब कि जगह ये ना कि स्टेशन पर गाड़ी आ जाएगा तब घर से निकले गाड़ी को पकड़ने के लिए, तब तक जाइएगा जाइएगा तब तक पता चलेगा गाड़ी छूट गया। इसीलिए कहा जाता है कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद तुझसे पूछे कि बता बंदे तेरी इरादा क्या है। ठीक है, इसलिए अपने आप को बहुत बुलंद कर लो कि ताकि भगवान खुद तुमसे पूछे कि बता बंदे तेरी इरादा क्या है। ठीक है, चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।